हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी हम रोज़ यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस और कुछ नए वर्ड्स भी सीखने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, थोड़ा ग्रामर को चैलेंज करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्रामर की हेल्प से उनके स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से समझाता हुआ चलूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि मैं पानी की तरह हूँ। अब इसके अंदर इसमें दो सेंटेंसेस हैं। पहला है मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा है मैं पानी की तरह हूँ। तो जो इसमें पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है, अब ये लगता कैसे है? सोच के लगता है या फिर महसूस करके। तो यहाँ पे फील और थिंक दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। और सेंटेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मुझे, मतलब मैं। आई, उसके साथ लगेगा डू, ठीक है, मेन वर्ड। एक्शन क्या है? लगना, मतलब सोच के या महसूस कर गया। तो थिंक या फिर फील, सो आई फील या फिर आई थिंक, क्योंकि डू जो है वो एक्शन में छुप जाएगा। सो आई थिंक, मुझे लगता है। की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, वरना इग्नोर कर दो। मैं पानी की तरह हूँ। अब ये जो सेंटेंस है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की और स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो मैं पानी की तरह हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? मैं, सो आई, उसके साथ क्या लगेगा? मेन वर्ड एम, और एक्शन यहाँ पे किस, मतलब क्या है वो? पानी की तरह, सो लाइक वाटर, सो आई एम लाइक वाटर, मैं पानी की तरह हूँ। तो पूरा सेंटेंस बना, मुझे लगता है कि मैं पानी की तरह हूँ। आई थिंक आई एम लाइक वाटर। मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी स्थिति में आसानी से समायोजित हो जाती हूँ। अब ये बहुत शुद्ध हिंदी है। पहले मैं जो हिंदी के जो वर्ड्स हैं इनका मतलब बता देता हूँ, ठीक है। सो पहला जो है वर्ड स्वाभाविक, ठीक है। स्वाभाविक का मतलब है नेचुरली, ठीक है, कुदरती। जैसे हमारे लिए एक नॉर्मल वर्ड होता है कुदरती, तो मैं कुदरती ढंग से, कुदरती रूप से किसी भी स्थिति में आसानी से समायोजित, मतलब एडजस्ट हो जाना, ठीक है। एडजस्टमेंट उसको हम बोलते हैं, समायोजित, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो जाती हूँ। तो पूरा ये सेंटेंस है, मैं नेचुरली किसी भी स्थिति में आसानी से एडजस्ट हो जाती हूँ। तो सेंटेंस ये है। तो यहाँ पे देखो, डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं, ठीक है। डूअर से सेंटेंस यहाँ बना हुआ है, मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी स्थिति में आसानी से समायोजित हो जाती हूँ। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है, जो कि ऐश्वर्या राय ने यूज़ किया था, आई काइंड ऑफ, ठीक है। अभी अभी के लिए आप काइंड ऑफ को इग्नोर करो, ठीक है, नेचुरली को भी इग्नोर करो। सेंटेंस आप ये पकड़ो, मैं किसी भी स्थिति पे आसानी से एडजस्ट हो जाती हूँ। सेंटेंस हम ये पकड़ते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा। तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ता है, ती है, ते है का सेंस आ रहा है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, ठीक है। मेन वर्ड क्या है? डू, ठीक, डू लगेगा। एक्शन क्या है यहाँ पे? एडजस्ट हो जाना, ठीक है। सो एडजस्ट ही मतलब समायोजित हो जाना, यहाँ पे ये हमारा एक्शन है। सो इसको हम बोलते हैं एडजस्ट। सो आई डू एडजस्ट, ये आना चाहिए। डू छुपा एडजस्ट में और कोई चेंज नहीं आया कि एडजस्ट, आई एडजस्ट, मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। आई एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, टू की जगह आप इन भी लगा सकते हो, ठीक है, कि आई एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, ठीक है। उसके तौर पर, उसके एक कंपैरिजन में यहाँ पे टू का यूज़ कर दिया कि मतलब चाहे सिचुएशन कोई भी हो, मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे टू लगा दिया, इन भी आप लगा सकते हो। सो आई एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, मैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेती हूँ, वो वाला यहाँ पे सेंस बना। अब बचा हुआ क्या है हमारे पास? बचा हुआ है स्वाभाविक रूप से, आसानी से, ये बचा हुआ है हमारे पास। ये कहाँ लगेगा? ये पूरा का पूरा लगेगा एक्शन से पहले, ठीक है। स्वाभाविक रूप से मतलब नेचुरली, कुदरती रूप से मतलब नेचुरली, नेचुरली लगा दिया। अब बचा हमारे पास आसानी से, मतलब ईजिली। सो आई नेचुरली ईजिली एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, काइंड ऑफ। इस काइंड ऑफ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, एक तरह से मैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती हूँ, तो वो तरह से वाला जो हमारा सेंस आता है हिंदी बोलते टाइम, सेम यहाँ पे इसमें काइंड ऑफ का है, ठीक है। ये काइंड ऑफ सिर्फ स्पोकन में, ठीक है, एक उस तरीके से चलता है, मतलब एक तरह से मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। अब यहाँ पे एक तो सेंटेंस मैंने ये बोला कि एक तरह से मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, दूसरा मैंने बोला कि मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो तरह से वाला जो सेंस है हिंदी में जो लेकर चला है, उसका कोई मीनिंग नहीं आया। सेम यहाँ पे इंग्लिश में काइंड ऑफ चलता है, आई काइंड ऑफ, यू काइंड ऑफ, दे काइंड ऑफ, ठीक है, दे काइंड ऑफ लुक एट मी लाइक दिस, मतलब वो मुझे इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ की कुछ हिंदी ही नहीं बनी। तो काइंड ऑफ सिर्फ एक
तरह से वाला जो हिंदी में सेंस चलता है इंग्लिश में काइंड ऑफ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काइंड ऑफ को चाहो तो टोटली इग्नोर कर सकते हो, अगर किसी ने बोला है तो उसके मीनिंग पे मत जाना इस चीज़ की हिंदी क्या लगेगी, बस वो काइंड ऑफ यूज़ हो जाता है, एक तरह से यूज़ हो जाता है, ठीक है, इस तरह। सो मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी स्थिति में आसानी से समायोजित हो जाती हूँ, आई काइंड ऑफ नेचुरली ईजिली एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, मेरे दिमाग में हमेशा से यही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस सेंटेंस में एक सेंस मिल रहा है आपको, ठीक है, कि किसी एक लंबे टाइम से कोई चीज़ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये होता है कि हैव बीन हैज बीन का आप यूज़ करो, ठीक ठीक है। एक तो मैंने बताया हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, दैट हैज़ ऑलवेज बीन इन माई माइंड, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरा होता है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस बना है यहाँ पे आपका जो हैज़ है वो एपोस्ट्रोफी एस में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना दैट इज़ है, ये नहीं, ये दैट हैज़ ही है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो सवाल था मेरे पास पहले आया था कि इस बीन क्यों लगा हुआ है, ये इस बीन नहीं है, हैज़ बीन है। सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन इन माई माइंड, कि ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑलवेज का जो सेंस है, मैंने बताया ऑलवेज, नेवर, समटाइम, जस्ट, एनी टाइम, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये आपके एक्शन से पहले आती हैं। अब यहाँ पे जो एक्शन है ना, इसके अंदर कुछ एक्शन तो नहीं है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, एक लंबे टाइम से रही है, तो ये चीज़ बीन से पहले आएंगी, हैज़ बीन, हैव बीन के बीच में, ठीक है, ठीक। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा से रही है, ठीक। मुझे लगता है कि आपने सुपर मॉम टैग को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। अब ये यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा है ये, उसने ये लाइन बोली है। तो पहला जो सेंटेंस है मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के, सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई थिंक बन गया, आई थिंक मुझे लगता है, आपने सुपर मॉम टैग को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला, या है ये है का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे सेंटेंस है एंड में आ रहा है या है ये है कि हैंडल किया है, तो सेंटेंस कौन सा है, मैंने या है ये है वाला बताया कि वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगेंगे, चुका है, चुकी है का सेंस होगा, ठीक है। सो डूअर कहाँ से है, आपने सुपर मॉम टैग को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। सो फॉर्मेशन क्या होगी, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, फॉर्मेशन सिंपल होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, परफेक्ट सेंटेंस है तो एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सो डूअर कौन है, आपने, यू, मेन वर्ड आएगा हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, हैंडल करना, ठीक है। तो हैंडल करना मतलब संभालना, अगर यहाँ पे मैंने हैंडल की जगह संभालना लिखा होता तो आप समझ जाओ वो हैंडल करना है, मैनेज करना होता है, ठीक है। किसी टैग को हम हैंडल ही करते हैं, मैनेज नहीं करते। सो यू हैव हैंडल की थर्ड फॉर्म आएगी हैंडल्ड, सो यू हैव हैंडल्ड, आपने हैंडल किया है, आपने संभाला है क्या, द सुपर मॉम टैग, सुपर मॉम के टैग को, द बेस्ट, द बेस्ट का मतलब है अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं बोलूँ इन दैट प्रीवियस, इन द प्रीवियस मैच आई प्लेड द बेस्ट, मैंने सबसे अच्छा खेला, आप यहाँ द बेस्ट की जगह इन द बेस्ट वे ये भी आप लगा सकते हो, कि सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पे ये सेंस लेकर चलेगा, इन द बेस्ट वे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है कि आपने सुपर मॉम टैग को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, आई थिंक यू हैव हैंडल्ड द सुपर मॉम टैग द बेस्ट, या फिर इन द बेस्ट वे। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी तारीफ है जो आप मेरी कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हिंदी में पहले आपको सेंस समझना होगा, ठीक है, जो आप कर सकते थे, मतलब यहाँ पे एक तो उसने तारीफ़ कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये उस तरीके से बोल रही है, मतलब यार ये सबसे अच्छी तारीफ़ है जो तुम मेरी कर सकते थे, तुमने कर दी वो बात अलग है, लेकिन एक ना करते तो भी ये सबसे अच्छी तारीफ़ ही होती, ये उस सेंस में आएगा। सो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहीं पे मुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, चाहे वो पैसे की हो या किसी भी चीज़ की हो, उस मोमेंट पे आके मेरी किसी ने मेरी मदद कर दी, तो मैं वहाँ पर बोलूँगा भाई ये सबसे अच्छी या फिर सबसे अच्छा काम था या सबसे अच्छी मदद थी जो कोई मेरी कर सकता था। सो समबड़ी कुड हैव डन, ठीक है, कर दी है वो बात अलग है, लेकिन मैं बस एक बात की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या बनेगा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कि कोई चीज़ हो सकती थी, ठीक। सो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी तारीफ है जो आप मेरी कर सकते थे। तो पहला जो सेंटेंस है मुझे लगता है, इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, पहला मुझे लगता है आई थिंक, फिर आप लेकर चलो इट इज़, ठीक है, कि ये सबसे अच्छी तारीफ है ये। दूसरा है इट इज़ आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, ये हम इस तरीके से भी सेंटेंस को स्पोकन में बोल देते हैं, स्ट्रक्चर कुछ तोड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ही इज़ आई थिंक द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अगर दूसरा तरीका आई थिंक ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, सो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आई थिंक को अलग ले लो, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक, ये सबसे अच्छी तारीफ है जो आपने, जो आप मेरी कर सकते थे। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, ये सबसे अच्छी तारीफ है, इसके अंदर तीन सेंटेंसेज हैं, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी तारीफ है जो आप मेरी कर सकते थे, तीन सेंटेंसेज हैं। पहला मैंने बना दिया, मुझे लगता है, दूसरा है ये सबसे अच्छी तारीफ है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की और कंडीशन की बात चल रही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये, ठीक है, सो इट, उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, सबसे अच्छी तारीफ, क्या बोलते हैं तारीफ को, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सो इट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये के लिए इट लगाया, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड आया इज, वो क्या है, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सो आई थिंक इट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी तारीफ है जो आप मेरी कर सकते थे। अब देखिए, इस जो के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम विच का यूज़ करेंगे, किसी बात की बात कर रहे हैं तो व्हाट का यूज़ करेंगे, किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो हु का यूज़ करेंगे, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, हम तीनों की जगह दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे विच हो, व्हाट हो या हु हो, हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, दोनों में से कुछ भी यूज़ मत करो, ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे एक तारीफ की बात चल रही है तो व्हाट का यूज़ हो जाता, इट इज़ द बेस्ट, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, वॉट यू कुड हैव गिवन मी, सेकेंड दैट यू कुड हैव गिवन मी, और थर्ड, दोनों को हटा दिया, कुछ भी नहीं लगाया हमने, यू कुड हैव गिवन मी। कॉम्प्लीमेंट हमेशा देने आते हैं, देने के अंदर आता है गिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, सो यू कुड हैव गिवन मी। सो यहाँ पे डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी कि ये चीज़ हो सकती थी, तो कौन कर सकता था, आप, सो यू आया डूअर, मेन वर्ड आया यहाँ पे कुड हैव, कुड हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी, गिव की जगह गिवन, कॉम्प्लीमेंट देने की बात आ रही है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कुड हैव गिवन मी, और सेकेंड तरीका क्या हुआ, इट इज़ को आप पहले लगा दो आई थिंक से भी, तो वो भी सेंटेंस का फॉर्मूला सही बनेगा, इट्स आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कुड हैव गिवन मी, ठीक है, ही इज़ आई थिंक द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन ये चीज़ें आपको स्पोकन में ही ज़्यादा मिलेंगी, रिटर्न में आप ऐसी चीज़ों को कम ही देखोगे। ये मेरे जीवन का सबसे बिना शर्त वाला अनुभव रहा है। अब बिना शर्त वाला मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल, मतलब जिसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं थी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी वैसा, मतलब सुपर मैम, सुपर मॉम जिसको टैग मिला है उसकी बात कर रही है कि मतलब एक माँ बनना, एक माँ के काम करना, एक माँ की तरफ बिहेव करना, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है जी, उस चीज़ की बात कर रही है। ये मेरे जीवन का सबसे बिना शर्त वाला अनुभव रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, एक टाइम से कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, वही हैज़ बीन, हैव बीन का फॉर्मूला आएगा, ये की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इट, उसके साथ क्या लगेगा, हैज़, इट हैज़ बीन, जस्ट को अभी आप भूल जाओ, ठीक है, जस्ट को भूल जाओ, इट हैज़ बीन, ये रहा है, ठीक है, इट हैज़ बीन क्या रहा है, द बेस्ट अनकंडीशनल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, सबसे अच्छा बिना शर्त वाला अनुभव मेरी लाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है ये आपके सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट का सेंस भी है और साथ में कोई भी चीज़ जब चलती भी आ रही है किसी टाइम से तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन लगेंगे, लेकिन कोई एक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं जिसमें आईएनजी लगता। अगर कोई एक्शन होता तो उसमें आईएनजी लग जाता, ठीक है, कि एक चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम से रही है, ठीक, तो वहाँ पे सिर्फ एक वो चीज़ की कंडीशन की बात चल रही है। सो हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा लेकिन किसी चीज़ में आईएनजी नहीं आई क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं है। अगर मैं वहाँ पे एक्शन लगा देता कि वो 3 साल से सो रही है तो ये पर्टिकुलर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंस बन जाता, फिर इसमें सिंस फॉर भी लग जाते और आईएनजी भी लगता एक्शन में सोने वाले, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर हैज़ बीन, हैव बीन, फिर वो क्या रही है, इसका फॉर्मूला ये है। सो ये मेरे जीवन का सबसे बिना शर्त वाला अनुभव रहा है, तो किसकी बात करें, ये, सो इट, इट के साथ लगा हैज बीन, इट में जो एपोस्ट्रॉफी ऐसा वो हैज है, इट हैज बीन क्या रहा है, वो द मोस्ट अनकंडीशनल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे बिना शर्त वाला अनुभव। अब इस जस्ट का सेंस क्या है, ठीक है, एक बस वाला सेंस लेकर चलेगा, चाहो तो बस लिख सकते हो, ये बस मेरे जीवन का सबसे, इस तरीके से, तो बस वाला जो सेंस है वो जस्ट लेकर चल रहा है। तो ऐसी जगहों पर इन जस्ट
ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो उसके मीनिंग के पीछे नहीं भागना होता है, सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है वो कि इट्स जस्ट बीन द मोस्ट अनकंडीशनल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये बस मेरी जिंदगी का सबसे बिना शर्त वाला अनुभव रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह सबसे अच्छा उदाहरण है और मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती। अब यहाँ पर ना एक वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, एपिटॉमी। अब इस एपिटॉमी का देखो बहुत एक तो मतलब होता है प्रतीक, ठीक है, मतलब एक सबसे एक किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, उसको हम बोलते हैं एपिटॉमी, ठीक है, एक निचोड़ कि भाई एट द एंड ये इसका प्रतीक है, ये इसका, ये इसको देखो ये ऐसा होगा, तो एक उस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे जो ये बात कर रही है, ये सुपरमॉम जो टैग है ये उसकी बात कर रही है कि वो जो एक प्रतीक मिला है मुझे, वो जो एक अच्छा उदाहरण मिला है मुझे कि लोग मुझे दिखाकर जब बोलते हैं कि शी इज़ द सुपरमॉम, तो इट इज़ एपिटॉमी, ठीक है, ये उसको बोले कि ये एक उदाहरण है, ठीक है, ये एक प्रतीक है, ये एक टाइटल है, उस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस है आप सबसे अच्छा के लिए बेस्ट लगा सकते हो कि इट इज़ द बेस्ट एपिटॉमी। तो ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, सो ये की बात कर रहे हैं, तो इट उसके साथ आया इज, अब वो क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण। बेस्ट एपिटॉमी भी लगा सकते हो और सबसे अच्छे उदाहरण का पूरा ही एपिटॉमी भी लेकर चलता है। सो आप देखोगे मोस्टली आपको एपिटॉमी के साथ बेस्ट वर्ड का यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ये टर्म ही एपिटॉमी है, राइट। तो उसके साथ बेस्ट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, सो इट इज़ एपिटॉमी, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती, और के लिए एंड लगाया, साइड में कर दिया, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, ठीक है, आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ नॉट, आई डू नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहना, मतलब वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती हूँ क्या, टू ब्रेक इट डाउन, इसको तोड़ना। अब यहाँ पे डाउन का सेंस क्या है, डाउन का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है यहाँ पे, ब्रेक भी अगर लगा देते कि आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक इट, ये भी बिल्कुल सही था, जो डाउन सेंस लेकर चला है मतलब वो टूट के नीचे ही गिरेगा ना, सो ब्रेक इट डाउन, तो डाउन सिर्फ यहाँ पे एक सेंस लेकर चलता है, ठीक है। बस ऐसी जगहों पे आपको कई जगह मिलेगा, जगह ब्लो अप, तो इस अप का सेंस क्या है, कोई चीज़ ब्लो होगी तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे की तरफ तो जाएगी नहीं, तो बस एक सेंस लगाकर चलते हैं। इसका डाउन का आप कुछ मतलब वैसे मत निकालना कि मैं इसे नीचे तोड़कर गिराना, नहीं नहीं नहीं, बस ब्रेक इट डाउन का मतलब है तोड़ देना उसको, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बना, यह सबसे अच्छा उदाहरण है और मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती, इट इज़ एपिटॉमी एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक इट डाउन, इसे परिभाषित नहीं करना चाहती, मैं इसे परिभाषित नहीं करना चाहती। अब परिभाषित करना मतलब परिभाषा का क्या होता है, डेफिनेशन, और किसी भी चीज़ को परिभाषित करना, किसी भी चीज़ को मतलब उसकी चीज़ की एक डेफिनेशन बताना, उसका मतलब होता है डिफाइन करना, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन क्या है, यहाँ पे चाहना एक्शन है, ये चीज़ याद रखना, परिभाषित करना यहाँ एक्शन नहीं है, जो एंड में आता है ना मोस्टली वही एक्शन मिलता है आपको, नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे चाहना एक्शन है। तो कौन सा सेंटेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और नेगेटिव फॉर्मेशन है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, आई डू नॉट, एक्शन क्या है, वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ क्या, टू डिफाइन इट, इसकी इसको परिभाषित करना, इसकी परिभाषा देना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं इसे परिभाषित नहीं करना चाहती, डोंट वॉन्ट टू डिफाइन इट, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्योंकि के लिए आप बिकॉज लगाओ, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये एक सेंटेंस आया जहां पे मुझे बिकॉज लगाना होगा, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि हम सो का यूज कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए के लिए। तो वहां पे ऐसी जगहों पे आप बिकॉज का यूज टिपिकल ऐसी जगहों पे करोगे, जैसे मैंने बोला क्योंकि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू, सॉरी एज का यूज़ होता है, एज यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो जो एज का मतलब होता है ना क्योंकि, तो एज का यूज़ आपको वहाँ मिलेगा करने के लिए जहाँ पे मैंने एक रीज़न पहले दे दिया, ठीक है, कि मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू क्योंकि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, एज यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया, ये बस बता रही है क्योंकि मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, अगर ये होता मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, अगर ये होता, सो आई कैन नॉट डू दिस एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे एज का यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे टिपिकल जा रहा है क्योंकि मैं नहीं कर सकती,
ठीक है। सो इसके लिए हम लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज लगाया साइड में रख दिया, मैं नहीं कर सकती कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका कैन वाला सेंटेंस और कैन का नेगेटिव। सो डू और मेन वर्ड नॉट, ठीक है, और एक्शन बिकॉज आई कैन नॉट डू। अब एक तरीका तो हो गया यहाँ पे आई कैन नॉट डू, डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन, और यहाँ पे आप अगर डू को हटा दो बिकॉज आई कैन नॉट, ये भी सेंस यही लेकर चलेगा, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी को बोल रहा हो ना भाई तुम कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना भी बोल सकता हूँ यू कैन, ठीक है, यू कैन। तो जब मैंने बोला ना यू कैन, तो उसको बोला तुम कर सकते हो, तो कैन अपने आप में जो मीनिंग लेकर चल रहा है ना वो कर सकने का मीनिंग लेकर चलता है। ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की हुई है, कैन अपने आप में कोई चीज़ कर सकने का सेंस लेकर चलता है। अगर मैं बोलूँ आई कैन नॉट सिंग, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि मैं नहीं गा सकता। अगर किसी दूसरे इंसान ने बोल दिया यार यू कैन, तो यहाँ पे क्या मतलब आया, वो एक कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, मतलब तुम गा सकते हो। लेकिन अगर मैंने सिंपल से ऐसे ही बोला कि आई डोंट वॉन्ट टू डू, कि आई कैन नॉट डिफाइन इट, सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू डिफाइन इट बिकॉज आई कैन नॉट, तो मतलब मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा, नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं कर सकता, वो वाला सेंस। सो क्योंकि मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई कैंट, आई कैन नॉट, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगी। अब इसीलिए के लिए आप दैट इज़ वाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पे दैट्स वाई, इसका भी यूज़ किया जा सकता है कि दैट इज़ वाई, इसीलिए, ठीक है। दूसरा है आप सो का यूज़ करते हैं, सो बहुत कैजुअल है, दैट्स वाई थोड़ा सा फॉर्मल है, ठीक है। दैट्स वाई या फिर सो, दोनों में से कोई भी चीज़ लगाओ, इसी के लिए साइड में रख दो। मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगी, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका फ्यूचर इनडेफिनिट, ठीक है। सो फ्यूचर इनडेफिनिट का कौन सा सिंपल सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है कहना। सो आई विल से थैंक यू, मैं धन्यवाद कहूँगी। अब जो बस का सेंस है या सिर्फ का सेंस है, मैं बस धन्यवाद कहूँगी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगी, अभी सिर्फ के लिए जस्ट लगाना है, कहाँ लगाओगे, मैंने कई बार बताई हुई है ऐसी जगह कहाँ लगेंगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है इसमें, से, सो से पहले लगा देंगे हम जस्ट, आई विल जस्ट से थैंक यू, ठीक है। तो पूरा क्या बना, क्योंकि मैं नहीं कर सकती इसीलिए मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगी, बिकॉज आई कैंट या फिर आई कैन नॉट डू, सो आई विल जस्ट से थैंक यू, ठीक है। ये नेक्स्ट है, ये बस सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है, ठीक है। अब इस बस का हिंदी में सेंस देखो, कोई लग रहा है आपको ये बस सबसे अच्छी बात है, कोई सेंस नहीं है ना। ऐसे ही जस्ट का भी यही सेंस इंग्लिश में लेकर चलते हैं, कई जगह बस का सेंस होता है, ठीक है, कई जगह होता है और कई जगह जस्ट का भी सेंस होता है, लेकिन कई जगह नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे ये बस सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ पे आप बस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। तो सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। आप यहाँ पे इट भी यूज़ कर सकते हो, दैट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, सिंपल वाले सेंटेंस का यही फॉर्मूला होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, दैट, उसके साथ क्या आया, इज, अब वो क्या है, सबसे अच्छी बात, सो द बेस्ट थिंग या फिर द नाइसियस्ट थिंग। अब जब हम कोई चीज़ बात कहने की बात करते हैं ना, तो बेस्ट की जगह आप नाइस का यूज़ करोगे तो अच्छा रहता है, जैसे नाइस टू सी, नाइस टू हेयर, इस तरीके से। सो दिस दैट इज द नाइसेस्ट थिंग, नाइसेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा जैसे बस का सेंस आया तो जस्ट भी आप लगा सकते हो, और जो जस्ट है सिंपल वाले सेंटेंस में, जस्ट, नेवर, ये सब चीज़ें कहाँ लगती हैं, जिसकी हम बात कर, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, तो जो लास्ट वाला है ना कि वो क्या है, इससे पहले लगता है, ठीक है। आप सिंपल सा ये मान लो कि मेन वर्ड के बाद, ठीक है, सो इसके बाद लगा देंगे जस्ट, सो दैट इज जस्ट द नाइसियस्ट थिंग, ये बस सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। अब इस जो के लिए आप क्या लगा सकते हो, बात की बात हो रही है, वॉट लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, और चाहो तो दोनों को हटा दो, कुछ मत लगाओ, ठीक है जी। सो यहाँ पे दैट इज जस्ट द नाइसियस्ट थिंग वॉट आई हैव हर्ड, दैट आई हैव हर्ड या फिर आई हैव हर्ड। अब ये जो आई हैव हर्ड है, ये सेंटेंस कौन सा है, मैंने सुनी है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, या है, ये है, मैंने सुनी है, मैं सुन चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, मैंने सुनी है, सो आई, मेन वर्ड लगेगा आई के साथ, हैव, एक्शन क्या है, सुनना, हेयर, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी हर्ड, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना, ये सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है, दैट इज जस्ट द नाइसियस्ट थिंग आई हैव हर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है इससे कि एक बात जिस पर आप और अभिषेक सबसे ज़्यादा बहस करते हैं, ठीक है। सो एक बात के लिए मैंने लगाया वन थिंग,
वन थिंग, बात के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टॉक वॉक मत लगा देना, ठीक है। एक बात, वन थिंग जिस पर आप और अभिषेक सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। अब इस जिस पर के लिए ऑन विच का यूज़ हो सकता है, ऑन वॉट का यूज़ हो सकता है, ठीक है, दोनों का यूज हो सकता है। वैसे ऑन व्हाट का यूज करो क्योंकि बात की बात हो रही है ना, तो व्हाट का यूज ज्यादा अच्छा लगेगा। सो जिसके ऊपर, जिस पर, ठीक है। सो ऑन व्हाट ये यहां पे लगता, चाहो तो सिंपल सा दैट लगा दो। वन थिंग दैट यू एंड अभिषेक आर्ग्यू अबाउट द मोस्ट, ठीक है। अब जो यहां पे है ना, जिस पर के लिए लगाया, जिस पर के लिए मैंने दैट लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है मेरे पास, आप और अभिषेक सबसे ज्यादा बहस करते हैं, ठीक है, आप और अभिषेक सबसे ज्यादा बहस करते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ताहे ती है, ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप और अभिषेक। तो ये दोनों यहाँ पे डूअर हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आप और अभिषेक। सो यू एंड अभिषेक, मेन वर्ड आएगा डू क्योंकि प्लूरल है, एक्शन है यहाँ पे बहस करना, मतलब आर्ग्यू, ठीक है। सो यू एंड अभिषेक डू आर्ग्यू, डू छुपेगा आर्ग्यू में क्योंकि ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है और कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू एंड अभिषेक आर्ग्यू, आप और अभिषेक बहस करते हैं अबाउट द मोस्ट, सबसे ज्यादा, जिसके बारे में, मतलब उसके बारे में सबसे ज्यादा, ठीक है, ये सेंस बनेगा। सो पूरा सेंटेंस बना, एक बात जिस पर आप और अभिषेक सबसे ज्यादा बहस करते हो। वन थिंग दैट यू एंड अभिषेक आर्ग्यू द मोस्ट, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अबाउट ना लगाना चाहो तो, अबाउट लगाना चाहो तो अबाउट लगा दो। आर्ग्यू अबाउट द मोस्ट, जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बहस करते हो, तो वो बारे में वाला जो सेंस है ना, वो बारे में सेंस लेकर चलेगा यहाँ पे अबाउट। लेकिन हिंदी में बारे में बात तो लगाया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अबाउट को इग्नोर भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पूरा सेंटेंस, एक बात जिस पर आप और अभिषेक सबसे ज़्यादा बहस करते हो। वन थिंग दैट यू एंड अभिषेक आर्ग्यू अबाउट द मोस्ट। अब ये चीज़ बहुत समझने वाली है, ध्यान से। सेंटेंस जो है तुम्हें नहीं जानना चाहिए, ये सेंटेंस है शुड वाला, यू शुड नॉट नो, ठीक है। डूअर मेन वर्ड और नॉट फिर एक्शन, तो यहाँ पे जो चाहिए है ये शुड वाला है, हम किसी को भी सलाह दे रहे हैं। तो बनना चाहिए था डूअर कौन है? यू, फिर मेन वर्ड शुड, फिर नॉट, और एक्शन क्या है यहाँ पे? जानना, नो, यू शुड नॉट नो, ये बनना चाहिए था। लेकिन आप कई जगह ऐसे देखेंगे यार, यू डोंट वॉन्ट टू नो, यू डोंट, और ये चीज़ बहुत मजाक मस्ती में चलती है, बहुत मजाक में, कि यार मैं नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, मतलब एक शर्मा के, एक मजाक मस्ती में वैसे वैसे चलती है, या फिर एक शॉक्ड, अगर आप किसी चीज़ से शॉक्ड हैं, आप डर गए हैं, वहाँ भी चलती है। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बोला कि मैं बाइक लेके इस कुएं में कूद रहा हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे शॉक्ड हूँ, भाई अगर मुझे वहाँ बोलना है कि यार यू शुड नॉट डू दिस, लेकिन वहाँ पे मैं बोलूँगा नो 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 भाई, यू डोंट वांट टू डू दिस, मतलब वहाँ पे मैं उस चीज़ को एक सलाह भी दे रहा हूँ और मैं उसको एक वैसे जता भी रहा हूँ कि यार नहीं नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। तो ये जो चीज़ टर्म है, ये बहुत ही थोड़ी कन्फ्यूजिंग टर्म है, लेकिन मिलेगी। मैं चाहता तो चेंज कर देता, मेरे लिए एक मिनट का काम भी नहीं है ये, यू शुड नॉट लगा देता मैं डू नॉट की जगह, लेकिन ये चीज़ आपको समझानी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कोई बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ देखी, ठीक है, आपने बहुत अच्छी मूवी देखी, और आप अपने दोस्त को, किसी को बोले भाई दैट मूवी यू डोंट वांट टू मिस इट, कि भाई मतलब मैं वहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं उसको मिस करना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ क्या बोला, यू डोंट वांट टू मिस इट, मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम जिसको तुम छोड़ना नहीं चाहते, वो एक ये सेंस लेकर चलता है। सेम यहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू डोंट वांट टू नो इट, ठीक है। सो दिस इज द समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू नो, कि जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए, वो सेंस लेकर चलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे भी, कि अगर मैंने अब कोई मूवी देखी बहुत अच्छी और मैं अपने दोस्त को बोलूँ भाई देर इज़ अ मूवी एंड द नेम ऑफ दिस मूवी इज दिस एंड यू रियली डोंट वॉन्ट टू मिस दिस, कि भाई तुम इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, मेरी बात मानो, ऐसी मूवी है ये, वो सेंस लेकर चलता है। सो तुम्हें नहीं जानना चाहिए, यू डोंट वॉन्ट टू नो इट, यू डोंट वॉन्ट टू नो, सिंपल। हम दोनों अनुवांशिक रूप से बहुत उदार हैं। अब जो ये यहाँ पे जो टर्म है ना, अनुवांशिक रूप से, ये इसका मतलब होता है जेनेटिकली। जेनेटिकली का मतलब होता है जो हमें जीन्स मिलते हैं हमारे परिवार से, हमारे माँ बाप से, ठीक है, तो वो अनुवांशिक रूप से, ठीक। सो हम दोनों अनुवांशिक रूप से बहुत उदार हैं। उदार को हम बोलते हैं जेनरस, ठीक है, उदार मतलब दयालु, ठीक है, तो वो चीज़ काइंड और जेनरस बिहेवियर, वो जेनरस उस चीज़ में आती है उदार। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट और कंडीशन की बात हो रही है। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है? सो यहाँ पे हम किसकी बात करें? हम दोनों, वी बोथ, मेन वर्ड लगेगा, प्लूरल है तो आर। हम दोनों क्या हैं? अनुवांशिक रूप से बहुत उदार, जेनेटिकली वेरी जेनरस, ठीक है, समझ गए। सो पूरा सेंटेंस बना, हम दोनों अनुवांशिक रूप से बहुत उदार हैं, वी बोथ आर जेनेटिकली वेरी जेनरस।
तो हम सिर्फ चर्चा करते हैं, हम बहस नहीं करते, ठीक है। अब इस तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर बीच में तो आ जाता है ना तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो से शुरू हो रहा है, चाहो तो इग्नोर कर दो, चाहो तो सो लगा दो, सो या देन, मैंने सो लगाया। हम सिर्फ चर्चा करते हैं, सेंटेंस हम यहाँ से पकड़ते हैं डूअर से, सो हम सिर्फ चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए तो जस्ट या फिर ओनली लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सेंटेंस बनाने के लिए इसको पहले इग्नोर करते हैं, हम चर्चा करते हैं। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी, फिर आएगा मेन वर्ड डू, और एक्शन क्या है? पर चर्चा करना, मतलब डिस्कस। सो वी डिस्कस, वी डू डिस्कस, ये आया, डू चोपर डिस्कस में कोई चेंज नहीं आया, वी डिस्कस। अब जो सिर्फ वाला सेंस है ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले, एक्शन क्या है? डिस्कस। सो वी जस्ट डिस्कस या फिर वी ओनली डिस्कस, हम सिर्फ चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पूरा क्या बना? तो हम सिर्फ चर्चा करते हैं, सो वी जस्ट डिस्कस, हम बहस नहीं करते। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये नेगेटिव है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी, मेन वर्ड लगा डू, ठीक है, फिर लगा नॉट, एक्शन क्या है हमारा? बहस करना, मतलब आर्ग्यू, वी डू नॉट आर्ग्यू। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, तो हम सिर्फ चर्चा करते हैं, हम बहस नहीं करते, सो वी जस्ट डिस्कस, वी डू नॉट आर्ग्यू। लेकिन हाँ, बट यस, एक बार वो मुझे मेरे घर से लेने आए थे। अब इस एक बार के लिए वंस लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, वो मुझे मेरे घर से लेने वाले थे, सॉरी लेने वाले थे। अब देखो, कोई भी चीज़ जो मैं करने वाला था, ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं सपोज टू का। सपोज टू के ऊपर मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, एक पूरी प्रोफाउंड डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, काफ़ी नीचे मिलेगी लेकिन मिल जाएगी, वो ज़रूर देखना, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं सपोज टू के ऊपर। सपोज टू का एक सबसे कॉमन यूज़ यही होता है कि भाई तुमसे ये करने की उम्मीद थी, तुम ये करने वाले थे ऐसी चीज़ों के लिए। सो वो मुझे मेरे घर से लेने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है सपोज टू वाला, ही वॉज सपोज टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात करूँ, सो यू आर सपोज टू, कि तुमसे ये उम्मीद है कि तुम्हें ये करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस जो बनते हैं ना, ये आपके सिंपल फॉर्मेशन में बनते हैं, सिंपल, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। सो यू वर सपोज टू, यू आर सपोज टू, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा, यू आर नॉट सपोज टू, इस तरीके से बनेगा। अब पास्ट की बात कर रहे हैं, ही वॉज सपोज्ड टू, ठीक है, तो यहाँ पे ही वॉज सपोज टू, कि उनकी उनको क्या करना था, ही वॉज सपोज टू पिक मी अप फ्रॉम माई होम, कि वो मुझे मेरे घर से लेने वाले थे, उनके उनसे ये उम्मीद थी वो मुझे मेरे घर से लेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे, मैं उसके पास जाने वाला था लेकिन फिर मेरे पास कॉल आ गया, मैं नहीं जा पाया। सो आई वॉज सपोज टू विजिट हिज प्लेस, बट देन आई गॉट अ कॉल, आई कुड नॉट मेक इट, दोनों हम बोल सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस बना, लेकिन हाँ, एक बार वो मुझे मेरे घर से लेने वाले थे, बट यस, वंस ही वॉज सपोज टू पिक मी अप फ्रॉम माई होम, देर रात हो चुकी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पे, सिंपल सा, ऐसी चीज़ों में आप लगा दो, इट वॉज, इट से शुरू करो, बारिश, दिन, रात, धूप, बर्फ, ऐसी चीज़ों को ना इट से शुरू कर दो, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज अ सनी डे, तो ऐसी चीज़ों को हम ऐसे शुरू कर देते हैं, बहुत सिंपल रहता है। सो इट वॉज लेट नाइट, देर रात थी, देर रात हो चुकी थी, ठीक है, और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, और के लिए एंड लगाया, साइड में कर दिया, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, ये है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है? मैं, आए, फिर लगेगा मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है? इंतज़ार करना, वेट, उसमें आईएनजी, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। तो पूरा सेंटेंस हमारे पास बना, देर रात हो चुकी थी और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, इट वॉज लेट नाइट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, वो बहुत देर से आए, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि वो बहुत देर से आए थे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन यही लगेगा, क्योंकि सिंपल है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन वाला है। सो डूअर कौन है? वो, ही, फिर मेन वर्ड लगेगा डिट, एक्शन क्या है? आना, कम, डिट छुपा कम में और वो केम बन गया, सेकंड फॉर्म बन जाती है जब डिट छुपता है। सो ही केम, वो आए थे बहुत देर से। सो वेरी लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, रियली लगा सकते हो, ही केम रियली लेट, ठीक है, तो बहुत वाला सेंस लेकर चलता है यहाँ पे रियली, ही केम रियली लेट, वो बहुत देर से आए थे। उस दिन हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, ठीक है। सो डूअर से पकड़ते हैं, हमारी, यहाँ से डूअर है, हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, उस दिन के लिए लगाया मैंने दैट डे और साइड में रख दिया, दैट डे लगाया और साइड में रख दिया।
ठीक है, अब सेंटेंस पकड़ते हैं, हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे लड़ाई होना, मैंने ये भी चीज़ बताई है कि इसको हम हैव फाइट का यूज़ करते हैं मोस्टली। अगर आपको चलो ये भी कंफ्यूज करे, तो यहाँ पे हमारी कुछ हुई थी, हमारी कुछ थी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हमारी लड़ाई होती है, सो वी हैव अ फाइट, कि हमारी कुछ है यहाँ पे, एक तो हो गया वी फाइट, हम लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला हमारी लड़ाई होती है, तो हमारे पास हमारा कुछ हो, हमारा कुछ है। तो यहाँ पे जो एक्शन यूज़ होता है ना, एक्शन यूज़ होता है हैव, ध्यान से समझना, एक्शन हैव यूज़ होता है। और ये सेंटेंस आपके इनडेफिनिट फॉर्म में ही जाते हैं मोस्टली। पास्ट की बात करें तो पास्ट इनडेफिनिट में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में। सो हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, मतलब हमारी एक छोटी सी लड़ाई थी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनेगा, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पे एक्शन होगा हैव, एक्शन हैव होगा। सो क्या सेंटेंस का बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सेंटेंस सिंपल है क्योंकि ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है, किसकी हुई थी, हमारी, वी, मेन वर्ड लगेगा डिट, एक्शन मैंने बताया हैव, अब डिट छुपेगा हैव में और वो हैड बन जाएगा, हैव की सेकेंड फॉर्म। वी हैड, हमारी थी क्या, अ स्मॉल फाइट, एक छोटी सी लड़ाई, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, उस दिन हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, दैट डे वी हैड अ स्मॉल फाइट। अगर ये नेगेटिव होता कि हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, सो वी डिड नॉट हैव आ जाता, क्योंकि डिड बाहर निकल आया हैड से और वो फर्स्ट फॉर्म ही बन जाएगी हैव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है दैट डे वी हैड अ स्मॉल फाइट, उस दिन मैंने उनसे बहुत खर्चा करवाया। अब यहाँ पे भी समझने वाली चीज़, पहले उस दिन के लिए दैट डे लगा के साइड में रख देते हैं। मैंने उनसे बहुत खर्चा करवाया, अब इसकी फॉर्मेशन मैंने कई बार बताई हुई है, मेक हिम या फिर मेक समवन टू डू समथिंग, मेक समवन टू डू समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी से कुछ कराना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उसको हंसाया, ठीक है, सो आई मेड हिम लाफ, ठीक है, मैंने उसको गुस्सा दिलाया, आई मेड हिम एंग्री, इस तरीके से। सो मैंने उनसे खर्चा करवाया, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है ना, एक्शन होगा हमारा मेक, एक्शन मेक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन है, डूअर कौन है, मैंने, मैंने कराया था ना, सो डूअर हूँ मैं, आए, फिर डिड लगेगा मेन वर्ड, एक्शन है यहाँ पे मेक, कि मैंने कोई चीज़ कराई, मैंने कोई चीज़ बनाई, उस तरीके से। सो आई डिड मेक, डिड छुपा मेक में, मेड बन गया, आई मेड, आई मेड हिम, मैंने उनको बनाया, उनसे कुछ कराया, आई मेड हिम, क्या किया मैंने, क्या कराया मैंने उनसे, आई मेड हिम स्पेंड अ लॉट, मैंने उनसे बहुत खर्चा करवाया, मतलब मैंने उनका बहुत खर्चा करवाया, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस बना, उस दिन मैंने उनसे बहुत खर्चा करवाया, दैट डे आई मेड हिम स्पेंड अ लॉट। अब वो कभी देर नहीं करते, नाउ ही इज़ नेवर लेट, ठीक है, सिंपल है, नाउ ही इज़ नेवर लेट, अब वो कभी देर से नहीं होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे डू में मत घुसना, करने के लिए ऐसा डू लगा देते हैं, ठीक है, बनाना बनाना चाहो बना सकते हो, नाउ दे, नाउ ही डू नॉट मेक मी वेट, इस तरीके से बना सकते हो कि अब वो मुझे इंतज़ार नहीं कराते, नाउ ही डू नॉट गेट लेट, अब वो देर नहीं होते हैं। तो डू लगा के भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल बनाना चाहो सिंपल बना दो, नाउ ही इज़ नेवर लेट। तो ये सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में बना दिया, कि नाउ को साइड में रख दो, वो कभी देर से नहीं होते हैं, वो कभी देर नहीं होते हैं। सो किसकी बात करें, मेन वर्ड, वो क्या नहीं होते हैं, ठीक है। सो ही इज़ नेवर लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाना है, ही इज़ नेवर लेट, वो कभी देर से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।